स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। Hence, magnetic field around the primary increases. Hence, magnetic field around the primary increases. या तो magnetic field increase होता है, ठीक। सर ये लिख रहे सर, कैन यू रिपीट द लास्ट लाइन? Hence, magnetic field around the primary increases. जो primary coil है उसके around magnetic field increase होता है. Magnetic field around the primary increases. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सिंस द सेकंड कॉइल इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द प्राइमरी, सिंस द सेकंड कॉइल इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द प्राइमरी, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इंक्रीजेस। सर फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट कीजिए। Since secondary coil is very near to the first coil, primary, so magnetic flux associated with it increases. Iska jo magnetic flux hai increase hoga second coil. Theek hai, magnetic flux associated with it increases, causing an induced EMF. Causing an induced EMF. And an induced current, causing an induced EMF and an induced current, ठीक है। तो क्या अब तक क्या देखा हमने, या करंट इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था, या फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, एंड फ्लक्स इंक्रीज करने की वजह से अभी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है EMF एंड उसकी वजह से करंट, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा सबको? Is this clear, everyone? Sir, what did you write in the board on the diagram? Yeah. Magnetic field. Yes. Okay. उसके बाद जल्दी देखते चलो। As soon as the primary current reaches its maximum value. As soon as the primary current reaches its maximum steady value, as soon as the primary current reaches its maximum steady value, the flux associated with secondary, the magnetic flux associated with the secondary becomes constant. Magnetic flux associated with the secondary becomes constant. Okay. And hence, EMF induced is zero, and hence EMF induced is zero. Okay. So here are the parallels. Now, the second thing is that if circuit will break, then what will happen? तो सर्किट को ऑन कर दिया, सर्किट को अगर ब्रेक करेंगे, स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? सो एज इन नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, इफ द प्राइमरी सर्किट इज ब्रोकन, इफ द प्राइमरी सर्किट इज ब्रोकन, देन करंट इन दैट सर्किट डिक्रीजेस, करंट इन दैट सर्किट डिक्रीजेस, due to which flux in the secondary coil decreases, due to which flux in the secondary coil decreases. इससे क्या होगा? Leading to an induced EMF in the secondary coil. Leading to an induced EMF in the secondary coil. ठीक है? इस तरह। Okay. ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसके बाद में नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द केसेस विल बी ऑपोजिट, नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द केसेस विल बी ऑपोजिट। ओके, सब समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? एकदम क्लियर है सब? अच्छे से
Yes, Riya, you should listen. कुछ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो सबको? Yes, sir. अरे बोलिए बोलिए, क्या हो गया? छुट्टी उठे क्या सभी आप लोग? स्कूल से आ रहे क्या अभी? प्रैक्टिव होना पड़ेगा क्लास में, तो कोर्स बहुत देर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा. ओके, सो ये हो गया हमारा बेसिक. ये इंड्यूस कैसे निकलता है, इंड्यूस क्यों होता है. ओके, सो इंड्यूस कैसे होता है और क्या होता है, ये हमने भी देखा. ओके, सो अभी देखते हैं कि एक लॉ है, इसका नाम है फैराडेस लॉ. सो फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं अभी देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे मैथमेटिकली इसको ऐसे दिखते हैं. जब ये हमारा फ्लक्स चेंज होता है उस समय क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. अगर हमारा फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो उस वक्त इंड्यूस नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अरे क्लियर की नहीं, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट, देखो एक ही घंटा का रास्ता है. यस सर, यस सर. ओके, सो हमारा आई इंड्यूस हो गया. तो फ्लक्स से चले गया, से इंड्यूस होता है, इंड्यूस होने के वजह से करंट इंड्यूस होता है. ये हमारा फैराडेस फर्स्ट लॉ, इसको दिखाएंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम. तो ये फैराडेस फर्स्ट लॉ, देन सेकंड लॉ क्या कहते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मॉड लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसा इसको देखते हैं. इसका मतलब क्या, अगर मेरा फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एक घंटे में एक पेपर चेंज हो रहा है, दो घंटे में एक पेपर चेंज हो, तो उसमें इंड्यूस बहुत कम होगा. और इन द केस की अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, जैसे बहुत ज्यादा करंट बढ़ रहा है या फिर जैसे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस ज्यादा होगा. ठीक है, ये हमारा फैराडेस सेकंड लॉ मैथमेटिकली. ठीक है, सब समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? यस, कोई डाउट? अरे बोलिए जल्दी बोलिए, कोई डाउट है कि नहीं, समझ में आ गया? तो क्या हुआ, सब क्लास में है कि नहीं? कौन कौन है, ऐशी, अमीशा, अमीशा, रिया? यस सर. सर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस है? हाँ, फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर देयर फ्लक्स में चेंज होता है तो उससे इंड्यूस होगा. ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस का मैग्नीट्यूड कितना है वो बता रहा. तो इन द सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं, बट फिर दो अलग अलग लॉ है. जैसे न्यूटन के तीन लॉ है ना, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एक्चुअली सेम है. फर्स्ट लॉ इज समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया दिख नहीं रहेगा. अगर समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है. एंड सेकंड लॉ क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू एम टू है ना, ये सेकंड लॉ. सो अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा, तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते. तो बोलेंगे सर दो लॉ क्यों, एक ही होना चाहिए.
दिया ऐसे है, पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया, देन इसके एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलरली पहले देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, फ्लक्स चेंज की वजह से। फिर क्वेश्चन आता है कि कितना होगा भाई, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है विंशु, ओके, थोड़ा बहुत ही एक्टिव हो गया आप लोग। ठीक है, सो ये क्या हमारा सेकंड लो ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेंजेस लॉ। ठीक है, द फर्स्ट लॉ बताते हैं कि इंड्यूस्ड कब होगा, सेकंड लॉ बताते हैं कि इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड थर्ड लॉ बताते हैं कि इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताते हैं। ओके, सो लेंजेस लॉ क्या बोलता है, जो इंड्यूस्ड है हमारा, this is proportional to minus d phi by dt, ऐसे होगा p equals to minus d phi by dt। इसका मतलब क्या, अगर अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूस का एक डायरेक्शन होगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूस का अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज द लेंजेस लॉ, इसका बड़ा स्टेटमेंट है, बताएंगे। ओके, सो इन अ नटशेल आई एम टेलिंग ऑल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो फ्लक्स इन जो है तो इंड्यूस होता है, इंड्यूस का मैग्नीट्यूड इतना होता है, इंड्यूस का डायरेक्शन ये होता है। ओके, अभी ये दोनों लॉ को कंबाइन कर देंगे, फैराडे लॉ एंड लेंजेस लॉ, तो एक लॉ आएगा फैराडे एंड लेंजेस लॉ। ठीक है, फैराडे एंड लेंजेस लॉ, ठीक है, ऐसे होता है। तो फैराडे एंड लेंजेस लॉ क्या बोलता है, बेसिकली इंग्लिश का एग्जैक्ट वर्ड ये होता है, दिस इज इंग्लिश इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डीटी, ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फैराडे एंड लेंजेस। ओके, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला लॉ बताते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है हमारा, बी डॉट ए होता है, जब हमारा फ्लक्स बेरी करता है उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाय डीटी, मैग्नेट्यूड कितना होगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेंजेस लॉ बताता है, तो अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूस नेगेटिव होगा, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है इंड्यूस पॉजिटिव। ठीक है, वैसा बोल सकते हैं, एंड इसका एग्जाम्पल भी ऐसा है, फैराडे एंड लेंजेस लॉ, तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। ओके, समझ में आएगा सबको, एकदम क्लियर है। ओके, सो अभी डिक्टेट करते फटाफट, आप लिख सकते हैं, सबसे पहले फैराडे लॉ लिखिए फर्स्ट में, इसके नीचे लिखिए, देन सेकंड में लिखिए उसके नीचे, तो फर्स्ट लॉ के नीचे आई डिक्टेट समथिंग, तो पहले फर्स्ट लॉ लिख लीजिए फट से। चलो पूरे चैप्टर खत्म करना है, ठीक है, एक घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, तभी तो मजा आएगा, धीरे धीरे करना है क्या, चलो फटाफट। ठीक है, मैं जाना है तो थोड़ा स्लो पढ़ाने के लिए बात कर लूँ। ओके, लिख लिया सबने फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं लिख देता हूँ, आप उन्होंने लिखे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आप थोड़ा फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, Change in magnetic flux leads to induced EMF. ठीक है, change in magnetic flux leads to induced EMF. ठीक है, leading to induced current. दिख रहा है तो मैं दिख रहा हूँ। सो ये क्या बोला फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या है, बेसिकली जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिपेंड्स
on rate of change of flux. Rate of change of flux. ऐसे होता है, ठीक है? So दो लोग तो मैंने लिख दिया आप लोगों ने, इसके वजह से लिख लीजिए first line second line. जैसे आपका होता है बता सकते हैं, हो गया? हो गया सर. ओके. मैं यहाँ पे मैंने defibrillity लिखा हुआ है, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं. सेम लॉ का क्वेश्चन लिख सकते हैं. E induced request is proportional to B capital by minute. ठीक है, ये बताइए capital by क्या होता है. ओके, E induced proportional to B capital by minute. Magnitude by minute. ठीक है, तो ये क्या मेरा सेकंड वन. सब लिख लिया. अभिषेक रिया ऋषि हमेशा Yes, sir. अंजु? Yes. ठीक है, अभी मैं लेंजेस लॉ का आपको ये स्टेटमेंट बताता हूँ. ओके, पब्लिक सेक्टर थोड़ा बैठ. सो क्या स्टेटमेंट? लेंजेस लॉ के नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे. तो इसका स्टेटमेंट है कि the direction of EMF induced The direction of EMF induced follows the principle of conservation of energy. Follows the principle of conservation of energy. ठीक है? Follows the principle of conservation of energy. इसके बाद आप next time लिख सकते हैं. According to the Lenz's law. According to the Lenz's law. The induced EMF is induced in such a way. The induced EMF is induced in such a way that it tends to oppose the change in flux. That it tends to oppose the change in flux. That it tends to oppose the change in flux. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. So according to the Lenz's law. क्या है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे इंड्यूस्ड इन सच अ वे सो एज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स सो एज इट टेंड्स टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसके फिर से लिख रहा हूँ tends to oppose change in flux. ठीक है सर. इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है. इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये ऐसे इंड्यूस होता है सच दैट इट टेंड्स टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स. तो फ्लक्स सब एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सच वैसे होगा कि वो उसको अपोज करेगा. थोड़ा समझ में आ रहा है. जैसे अगर आप फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो इंड्यूस ऐसे होगा कि इट विल ट्राई टू रिड्यूस द फ्लक्स अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हो. एंड अगर सेम फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहिए. ठीक है, केसेस का एग्जाम्पल दे. सपोज फ्लक्स हमारा 100 है, तो अगर फ्लक्स 100 से 99 हो गया तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि 99 से इसको 100 वापस करना चाहिए. इंड्यूस ऐसे ही इंड्यूस होगा. सीधे अगर फ्लक्स अगर 100 से 101 हो गया तो अगर ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि इसको 101 से वापस 100 तक करना चाहिए. समझ में आ रहा है? थोड़ा मैथमेटिकली बता दें. ठीक है, ओके. इसके अंदर क्या दैट इज If flux increases, then E-induced, ठीक है, एयरलाइन आप खुद से लिख सकते हैं. जो मैंने भी बताया ना आपको, इसको खुद से लिखे, वही बता रहा था. ओके, एयरलाइन खुद से लिखे.
सर द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है? टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होता है ना कोई भी सिस्टम में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल निकाल गया हूँ, यह हमारा सर्किट है सपोज दिख रहा है, ऐसा सर्किट था हमारा, ठीक है देखते हैं अच्छा डाउट है। सो हमारा सर्किट है तो इसका अगर स्विच ऑफ करेंगे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट इंक्रीज करेगा है ना। सो कैसे होगा जी, हाँ सो क्या होगा जब इसमें करंट इंक्रीज करेगा सो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जाएगा इसके से फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है फ्लक्स इंक्रीज होने के हमको दिख रहा है कि ईएमएफ इंक्रीज होगा, वो पहले से करंट में मतलब इंड्यूस होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। नाउ इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में हो सकता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस थिंग एंड देयर इज द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है तो इट कैन बी इन सेम डायरेक्शन इट कैन बी इन अपोजिट डायरेक्शन, द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो इट कैन बी सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में हो गया दैट मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में, ठीक है पॉसिबल है क्या, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था यहाँ पे नहीं था, अभी इसमें राइट साइड में आ गया, अभी इसमें भी राइट साइड में आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो पहले बोल रहे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अभी करंट जाने के बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड टू टाइम्स अप भी हो गया, ऐसा पॉसिबल है? इनिशियली अगर जीरो तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो जो मेरा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करेगा इसका एंड ये इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है तो अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ गया यस, हल्का उनका आइडिया है ना, ठीक है स्कोर पढ़ेंगे, ओके सो ये सब लिख दिया होगा, फैराडे का लेंस होता है डी5 बाय डी8, इसमें फाइव कैपिटल होता है जो कैपिटल फाइव होता है, so E is equal to d capital 5 by dt where capital 5 is n times of small 5, a small 5 kya hai, this is flux through one coil, ek coil ke through ka flux hai, so flux in one coil, theek hai aise, aur ye ho gaya 5 small 5 and n is number of turns, okay n equals to number of turns, so yeh hai mera pura faraday's law, induced ka direction, lenz's law, ye humne acche se padh liye, theek sab confidence hai isse samajh jayega sabko, idhar clear hai, kahi bhi doubt ho to puch lo, abhi baad mein puchenge, baad mein puch sakte hai but abhi puchenge to acche, it is clear everyone? Yes sir. Okay good. अब लोग बोलना शुरू कर दिए, तो इसको मिटा रहे, ठीक है अगर कुछ छूट गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते, ओके तो हमें दे दो, इसको मिटा रहे, ठीक है ऐसा लग रहा था चले गए जो कंप्यूटर वाला होता था बहुत अच्छा, यस ये अलग क्लास अच्छा लग रहा है कि जो वो क्या कहते हैं वो यूज करके कर वो अच्छा लग रहा है, अरे बोलिए बोलिए
क्या हो गया अभी? सब टेंशन में आ गए, इनको दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली अब तक किससे पढ़ाते थे ना आपको ये सब टेंस बोर्ड बोर्ड वगैरह सब पढ़ाते थे? अब तक ऐसे पढ़ाते थे आपको जो क्या कंप्यूटर में नोट्स वगैरह देखे? मैंने अभी बोर्ड पे पढ़ा था। तो कौन सा वाला बेटर लग रहा है आपको, क्या लगता है फर्स्ट इंप्रेशन? भूली जल्दी भूलिए, या तो मेरा हिंदी हिंदी अच्छा नहीं है क्योंकि हिंदी में ज्यादा बोलता है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा। सो ऐसा वाला अच्छा है कि जल्दी वो और अच्छा है जो पेन पेपर नहीं जो बोर्ड पे पढ़ा था? ये सोशी अमीशा अमीशु क्या बोलते हैं आप लोग? आपको मेरा आवाज आ रहा है ना कि सुने नहीं आ रहा? अरे भाई नेट नेट चला है कि इतना बोलने के तो बच्चे बोले कोई ना यूज करेगा ना फिर इतना हमें क्लास हो गया ना रूम से अंदर पानी। सब लोग हैं क्लास में? आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिन बाद मिला। पीसी सर इन वर्चुअल वर्ल्ड इट इज बेटर। ओ अंशु का फर्स्ट इंप्रेशन है कि वर्चुअल वर्ल्ड में बेटर। अच्छा बाकी लोगों का इंप्रेशन है? सोचना पड़ रहा है। देखो वर्चुअल वर्ल्ड में क्या है कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, मेरे को एक्सप्रेशन भी नहीं दिखेगा। ओके पहले मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं? इतना पढ़ा रहे आपको फर्स्ट में, इज माय साउंड ऑडिबल? यस साउंड क्लियर है ना? कहीं भी साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अब तक जो हम बोले? कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं तो मैं माइक्रोफोन पे लगा सकता हूँ बट ऐसे अच्छा ठीक है। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते जो आपका काम का हो। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है इसमें। फर्स्ट जो अगर ए इंड्यूस्ड होता है ये जगह माइनस एन टाइम्स ऑफ डी फाइव बाई डी टू होगा ऐसे। फाइ स्मॉल फाइ इज द फ्लक्स ऑफ वन कॉइल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये क्या मेरा इंड्यूस्ड ठीक है? तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट निकाल सकते हैं। आई इंड्यूस्ड कितना होगा? दिस विल बी इंड्यूस्ड बाय आर मॉड्यूल कितना चार्ज इंड्यूस होगा? चार्ज इंड्यूस कितना होगा? दिस विल बी आई इंटू टी होगा ठीक है। तो जगह I induced into dt दूसरी हम दूसरी n by r into delta पर ओके। तो कोई भी सर्किट में इंड्यूस ऐसे निकल सकता है करंट इंड्यूस एंड चार्ज इंड्यूस एक टाइप का क्वेश्चन है। ये जो वैल्यूज है मैंने आपके सबको
स्मॉल लिखा है, स्मॉल ई, स्मॉल आई एंड स्मॉल क्यू. तो स्मॉल का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि दीज आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एरर्स. इंस्टेंटेनियस मतलब कभी कभी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो हमने पहले ही पढ़ा था एनर्जी में वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट ए इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एट ए इंस्टेंट, ये सब पढ़ा था. एंड इंस्टेंटेनियस के बाद एक एवरेज भी पढ़ा था. तो एवरेज भी कुछ होता है राइट, एवरेज भी कुछ होता है राइट. तो सेम चीज को एवरेज भी कर सकते हैं. एवरेज कैसे हो जाएगा, ये डी फाइव की जगह डेल्टा आ जाएगा. So this will be E induced equals to minus n into phi 2 minus phi 1 by t. So yeah, average, phi 1 minus initial by time. So this current will take us up there. Induced current will be over. This will be n by r into phi 2 minus phi 1 by t. So P, phi, charge will be take us up there. ये हो जाएगा n by r into phi 2 minus phi 1. ओके, सो ये भी कुछ काम के फॉर्मूला है आपके, जो आपका भी काम आएगा. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सकते हैं कर सकते हैं. ये एवरेज ले सकते ठीक है. तो ना इन तीनों क्वांटिटीज में कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंडेंट है. इन तीनों क्वांटिटीज में कौन सा क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, अभी लोग बताइए. Q. हमेशा इसी Q. Why? ठीक है, वाय ज्यादा हो गया. सो बेसिकली आप देखेंगे तो Q में कोई टाइम का टर्म नहीं आ रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो ये नोट कर सकते हैं. यू कैन नोट दैट जब आई क्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. हाँ बोलिए बोलिए क्या हो सर. ई इंड्यूस और आई इंड्यूस भी तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम किया जा सकता है. इंड्यूस आई इंड्यूस क्या? ओके नहीं 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 हो, मैं बोल रहा था कि एक्चुअली वो बीएलवी के फॉर्म में अगर लिखे ओ वो तो बाद में आएगा. तो आप देख सकते हो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चार्ज. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम से कुछ काम के फॉर्मूला आ गया. ओके तो इसको भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं जैसे आप कहेंगे. दो मिनट देते हैं बेटर, बाद में लिखेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें कट ऑफ किसी को कैसे डेराइव किया. अगर एग्जाम में सब भूल गए, कुछ भी आपको याद नहीं, सब भूल गए कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, कभी कभी डर लगता है बाप रे कैसे करेंगे, इतना इजी है फिर भी याद नहीं, कभी कभी भूल सकते हैं. तो इसमें सिंपल चीज है, यू हैव टू अप्लाई फैराडेस लॉ, लेंज़स लॉ. ई इंड्यूस डी फाइव बाय डीटी होता है, डी कैपिटल फाइव बाय डीटी, उसी को हमने देखा एन इंटू डी स्मॉल फाइव बाय डीटी. एंड करंट क्या होता है, इट विल बी ई बाय आर, वी बाय आर. तो जो इंडियस है वैसे देख चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल आईडीटी, उससे चार्ज होगा. इसमें कुछ याद करने वाला कोई चीज नहीं है बेसिकली, बस आपको दिखा रहे एक बार कैसे होता. तो अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली करो ठीक है. वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ई इंड्यूस निकालो, आई इंड्यूस निकालो, चार्ज निकालो, रिंको यहाँ से मैं लेके गया, रिंको घुमा दिया, ऐसे अभी करेंगे क्वेश्चन आगे. तो ये हो गया हमारा बेसिक फैराडेस लॉ ठीक है. चलो रेडी है सबको, सॉरी सबको समझ में आ गया कोई डाउट इसमें? रेडी है क्लियर सबको? यस सर. ठीक है जी, तो मिटा रहे इसको. चलो आपके स्कूल में हो गया क्या टॉपिक? Yes, is this topic done in school? Sir, geometrical optics. Oh, आपको वो वहाँ से शुरू होते हैं. ठीक है अच्छा. Crisscross.
पता नहीं क्या? मतलब पढ़ा नहीं रहे थे बहुत दिन से, पता नहीं क्या। ओ आपका क्या चल रहा है रिया हमेशा? सेम टॉपिक। यस सर। ये भी चल रहा बहुत अच्छा। रिया आपके स्कूल में? सर मेरे स्कूल में सेम टॉपिक। ये में? यस सर। बहुत अच्छे थे। ठीक है तभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जिसमें बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं आता तभी हम देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन कैसे लगता है। सो हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट को देखा कि चार कैसे देखा था, एक दो तीन चार। मान लो हमारा ये पोल है और पोल हमारा मैग्नेट है, ठीक है। सब उधर मैग्नेट इज लाइक दिस, इसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है साउथ, तीसरा मैग्नेट नॉर्थ साउथ, चौथा मैग्नेट नॉर्थ, ठीक है। ऐसे है चार कर देते हो या फिर साउथ नॉर्थ पोल। याद है कि नहीं तुमको? भूल गए? यस सर। सिर्फ अंश को याद है, बाकी तो भूल गए। तो भूल गए लगता है, सही भूल गए। सही बोल ही रहा तो मानना पड़ेगा भूल गए। मैं मजाक कर रहा था, आप लोग सही में बोल रहे क्या? नहीं सर। यस ही बोल रहे हैं। मैं जल्दी नहीं बोलना, दो साल बाद बोल सकते। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाने के बाद बोल जाना, अभी मत बोलो, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक चीज है, याद रखना चाहिए। सो फर्स्ट केस में क्या होता है, ये पोल ऐसे जाता है, ठीक। सो बीसा की जो हमारा करंट इंड्यूस है उसमें क्या होगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। जब नॉर्थ पोल आता है पास में तो ये भी नॉर्थ पोल हो जाता है, तो अगर ये नॉर्थ पोल होगा करंट ऐसे होगा, दैट मींस इंड्यूस करंट ऐसे होगा। ये हमने देखा फर्स्ट केस। ओके नाउ अगर आप थोड़ा सा केयरफुल देखेंगे, इसमें हमने लास्ट टाइम एक चीज दिखाई नहीं, तो इसमें जो हमारा बार मैग्नेट है इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट, ओके। अच्छा जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूँ, जो मेरा मैग्नेट यहाँ पर, व्हेन आई एम ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट क्लोजर टू दिस कॉइल, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ये जो मैग्नेटिक फील्ड, सोच के बताओ, एक मिनट सोचो। जब मैं मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अंदर से, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? मैंने इसका रीजन भी बताया था याद आ रहा था, ठीक है। ये चैप्टर में ही सब है, ठीक है। मैं नहीं समझ आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कुछ गेम है बच्चों को ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लगता है कि ये सब चीजें ध्यान नहीं रहता, बेसिक है तो पता होना चाहिए, राइट। ई एम आई को सबसे टफ चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट अगर आपको समझ आएगा तो सबसे ईजी चैप्टर भी हो सकता है, यूज होता ही नहीं इसमें, बहुत बेसिक है, ठीक है। बताइए बाद मैग्नेट को कॉइल के पास लेंगे तो क्या होगा,
यस आयुषी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, ओके करेक्ट। सो क्या हो रहा है मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो मैं एक और एरर दिखा रहा था टू शो दैट इट इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। नाउ योर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मतलब जो बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो ईएमएफ या फिर जो करंट है वो ऐसे इंड्यूस होगा कि इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा, अरे आना मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आगे ना अरे हो रहा है ना, हाँ तो बोल दो, अरे जी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, हो गया सर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हर लेंज वाला क्या कहते हैं कि ईएमएफ ऐसे इंक्रीज होगा, करंट ऐसे इंक्रीज होगा कि जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है उसको अपोज करेगा, तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहे तो जो मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा ये डायरेक्शन, ये चीज है मतलब। सो जो मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसको अपोज करेगा, ठीक। एंड नाउ अगेन इफ यू अपना द राइट हैंड कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ऐसे हो गया, कर्ल ऐसे करेंगे फिंगर्स को तो करंट इंड्यूस ऐसे होगा, ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन अभी दिखाया है, समझ में आ गया सबको? यस सर, सर, यस सर, सर, हाँ बोलिए मिशन सर। तो हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है उसमें सर हम जो प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्यों कंसीडर करते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला से प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड को क्यों कंसीडर करते हैं? P इक्वल्स टू d बाय dt, हां ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे। हम उसमें क्या करते हैं कि कंसीडर कितना फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो गया ना उसमें, सो वी कंसीडर कि कितना फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कितना फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब उससे हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस भी होगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो रिलेशन है ना। बेसिकली इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, समझ आ गया? Yes. Okay. अच्छा डॉक्टर, ओके ये केस आपको समझ आएगा, सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या था हमारा, जो हमारा बाहर मैग्नेट है वो दूर जा रहा था, ठीक है, इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, सो इसमें क्या हो गया था हमारा, ठीक है, देखते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फिर से ये डायरेक्शन में होगा, राइट, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बाहर मैग्नेट विल बी इन द लेफ्ट साइड, ओके मेरे मैसेज भी बता रहा, बोल के बताओ ना कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं अंडरड डाट नहीं रहा, बट मैसेज को पढ़ना तब बोली थी आपके पास शायद आवाज नहीं, ओके ठीक है फिर मैसेज कर सकते हैं। सो क्या हो गया इसका, अमिशा आयुषी देखो यही पे शुरू हो गया चैप्टर, यही पे खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं।
Okay, magnetic field induce, sorry, magnetic field rate increase or decrease? This case. Yes, Amisha, Amishi, Amishu. बहुत सुंदर बताइए बताइए जल्दी बताइए देखो बेसिकली जो बार मैग्नेट है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल सो बार मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा उससे क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा फील्ड लाइन ऐसे होगा नीचे भी होगा Now as you go from, away from this, तो क्या दिख रहा है आपको? Number of magnetic field lines passing through the coil. जैसे हम दूर जाएंगे कम हो जाएगा. Right? So if you go further away, तो less number of magnetic field lines will pass through this. क्योंकि हम दूर जाएंगे. So इसके ऐसे क्या होगा जो magnetic field है वो decrease हो जाएगा. ठीक है? तो जो magnetic field है वो decrease हो जाएगा. ठीक है ओके सो क्या हो गया मैडम हाँ मान सकते हैं आप लोग बोर हो रहा हो घर पे बैठे बैठे छह महीने से घर पे बैठे रहे आपके दोस्त नहीं थे सकते ठीक है तो कहाँ था हम लोग ये जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड है कम हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ठीक है तो इसके वजह से फ्लक्स क्या होगा हमारा फ्लक्स में डिक्रीज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग हमारा जो फ्लक्स है डिक्रीज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ठीक है अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए टू इंक्रीज द फ्लक्स ठीक है अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को डिक्रीज करेगा एंड फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहिए तो जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा यहाँ राइट हैंड कर करंट इज लाइक दिस ये ऐसे होगा क्या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो करंट ऐसे होगा उसको बना देंगे तो ये वाला सॉल्व डायरेक्शन है ओके सो ये हो गया हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो ये तो किस टॉपिक का बताना चलिए फर्स्ट केस में पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा प्रिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसमें लेफ्ट की राइट जल्दी बताइए भैया फास्ट 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 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया आपको ओके हमेशा कैन यू टेल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया ओके ऐशी आप बता दीजिए सर राइट टुवर्ड्स द राइट ओके वेरी गुड तो अगर नॉर्थ पोल है आपका तो लेफ्ट साइड में तो साउथ पोल आपका है तो राइट साइड में होगा ना कॉमन सेंस एंड इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे होता है सो इट गोस फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द बल्ब तो इसलिए यहाँ से आता है सो इट विल बी टुवर्ड्स द राइट ठीक है इज इट क्लियर या
Yes, yeah, is this clear? Yes, sir. Message करते हैं. Okay. So magnetic field right side में होगा. अब बताइए ये हमारा magnet इसके पास जा रहा है. तो magnetic field increase होगा या decrease होगा? Is this magnetic field increasing or decreasing? Yes, Avinshu, can you tell? Decreasing. Yeah. Huh? Decreasing. Achha. Interesting answer. Kyun decreasing ho? सर ये तो मतलब जितना ये अप्रोच कर रहा है आपका मतलब साथ मतलब जो पॉइंट से हम मतलब जिस पॉइंट में हम कॉइल के अंदर अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट से अगर हम डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का तो मतलब डिस्टेंस तो उसके बीच में बढ़ता जा रहा है. डिस्टेंस बढ़ रहा है नहीं ये तो मैग्नेट इसके पास जा रहा है तो साउथ पोल हमारे कॉइल के पास जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ये डायरेक्शन ठीक है. दूसरे दूसरा लिखना है मैंने तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इट इज इंक्रीज ठीक है. सो देखो इसका आपको समझ में आ रहा है इसे दो बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं. अगर हमारा मैग्नेट ऐसा है ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल से क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा नॉर्थ से साउथ ठीक है. तो जितना बड़ा मैग्नेट इसके पास आएगा उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके तो पास करेंगे और जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा ठीक है. बाप रे ये सब बताइए जी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा. अच्छा इसका जो फ्लक्स इंक्रीज होगा इसके वजह से डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं फ्लक्स ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगा ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर ये हमारा दूर जा रहा है मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही होगा. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा जल्दी बताओ फर्स्ट हमको केमिस्ट्री क्लास हुई है इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा करंट का ये हो गया. तो करंट का डायरेक्शन ये साउथ पोल हो गया एंड ये वाला नॉर्थ पोल हो गया ठीक है. सो दे इज द साइन कन्वेंशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. ये जो होता है तो क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है. सो ये था ऐसा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है. तो इसको क्या करेंगे आप लिख तो नहीं पाएंगे शायद अभी इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपको भेज देंगे अब इसको तरह लिख लीजिए ठीक है. ओके सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास होपफुली थोड़ा फास्ट होगा फ्राइडे को मिलते हैं. अब तक ए सी वन में कर लिया पूरा मैग्नेटिक फील्ड का यस ठीक है.
तो देखो फिजिक्स का असाइनमेंट दो तीन हफ्ते में एक बार मिलता है, तो कर लो, ज्यादा लंबा भी नहीं था, एक दो घंटे के सो कंप्लीट कर लो, ठीक है। सपोज द असाइनमेंट सब उसको ट्राई कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। सो वी मीट ऑन फ्राइडे, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। कुछ पूछना है किसी को, उसने तो पूछ, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.